जसवंत राय को दिव्य दर्शनों का दान। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। घटना एक अब और बतावें, लिखें वही जो प्रभु लिखावें। जसवंत राय प्रभु का प्यारा, वह तो बालक था एक न्यारा। उस बालक को प्रभु की टेक, प्रभु बिन रुचती बात ना एक। प्रभु के पास नित चल के आता, सेवा में बहुकाल बिताता। प्रभु भी करते उससे प्यार, धन्य बालक जो पात दुलार। संग प्रभु के हरदम रहता, आज्ञा प्रभु की प्रेम में बहता। प्रभु की आज्ञा जो मिले, करता लाव है चित्त। जानत प्रभु को मात पित, माने प्रभु को मित्त। एक दिन प्रभु थे सुख आसीना, जगत पिता मस्ती में लीना। कहा जसवंत को दही लाओ, बाहर से सांकल ला जाओ। शीघ्र ही तुम लौट के आना, विलंब ना पुत्र लेश भी लाना। जसवंत ने पात्र संग में लीना, सांकल द्वार को उस दे दीना। लेकर दही को जब था आता, देखा प्रभु को मग पर जाता। आगे बढ़ उस शीश झुकाया, आशीर्वाद प्रभु से पाया। आकर फिर जब सांकल खोला, प्रभु बैठे थे वहीं अडोला। क्या लीला यह मन ही विचारे, बाहर मिले प्रभु अभी प्यारे। मग पर देखे नाथ जी, पाया आशीर्वाद। बंद भवन में भी मिले, महिमा प्रभु अगाध। प्रभु का पा सकें किमि पार, थके वेद भी कथ कथ हार। तब उस प्रभु जी को दधि दीना, कृपा नाथ कृपा कर लीना। जसवंत को बीती प्रभु बुलाई, मन ना स्थिर रही विस्माई। प्रभु चरणी जिन का हो वासा, सेव करें धर चित विश्वासा। प्रभु लीला को वे जन देखें, दिव्य लीला को निश दिन पेखें। प्रभु लीला का पार ना पावें, प्रभु लीला किमि कथनी लावें।
प्रभु लीला है अपरंपारा। जाने कौन उसका विस्तारा, प्रभु लीला की सूक्ष्मताई किसकी समझ में अब तक आई। प्रभु लीला है लोक लोकाई, प्रभु लीला ही रचन रचाई। प्रभु लीला यह सकल पसारा, प्रभु लीला ही विश्व है सारा। प्रभु लीला की अद्भुतताई शारद नारद भी विस्माई। लीला का पा सके ना पार, रहे ऋषि सब कथ कथ हार। जिस लीला को कथन में ला सके नहीं वेद, उस लीला को देखते प्रभु भक्त बिन खेद। रे मन लीला नाथ की यदि तुम्हें विस्माय, शरण प्रभु की ग्रहण कर, भूल जा दूज उपाय। लीला एक जो आगे गाई, निज मुख से जसवंत सुनाई। कहा जसवंत प्रभु महाराज, हमारे घर भी चालो आज। मैं चाहता निज घर ले जाऊं, अपने कमरे में बिठलाऊं। निज कर से मैं भोग लगाऊं, चरण पखार चरणामृत पाऊं। स्वीकार करो विनय मम देव, चरणों की मुझे मिले जो सेव। इस विद कह उस शीश झुकाया, प्रभु जी ने मुख से फरमाया। चिरंजीव तुम घर को जाओ, मन में खेद ना लेश बिलाओ। अवसर पा हम भी आ जाएं, इच्छा पूर्ण तव कर पाएं। चिरंजीव तव वास में ले आवे भगवान, जाना बंद कपाट कर, बैठे ला हम ध्यान। प्रभु आज्ञा को पाय कर, चला गया वह बाल। मग में सोचन वह लगा, बताया ना प्रभु काल। प्रभु ने काल नहीं बतलाया, समय आने का ना कथ पाया। क्या जानू प्रभु कब आ जाएं, और ना यदि मुझको वे पाएं। सुंदर अवसर हाथ से जाए, यह चिंता अब मुझे सताए। इसी सोच में वह घर आया, द्वार खोल जब कदम बढ़ाया। सन्मुख बैठे सद्गुरुदेव, राम लाल देवों के देव।
दिव्य रूप उनका मन मोहे, पुष्पमाल गल में अति सोहे। तेजो पुंज दिव्य आकार, वस्त्र श्वेत धारे करतार। मनमोहनी उनकी मुस्कान, ज्ञानी निरख भूले निज ज्ञान। ऐसे प्रभु के रूप को निरख राय जसवंत, हक्का बक्का रह गया आए किमि भगवंत। कमरा तो था बंद यह, आया प्रभु को छोड़। यहाँ आने में नाथ ने खूब लगाई होड़। चरणों का उसकी न स्पर्श, अतीव था उसके मन में हर्ष। मैं बतलाऊं सबको जाए, घर हमारे प्रभु हैं आए। सूचना देकर जब वह आया, वहां फिर ना उस प्रभु को पाया। किधर गए प्रभु मन पछताता, जसवंत धैर्य ना मन में लाता। सुंदर अवसर हाथ गंवाया, प्रभु की सेवा ना कर पाया। प्रभु की माया प्रबल महान, उसका मिले ना किसी को ज्ञान। रूप अनेकों ले प्रभु धार, निज माया को कर स्वीकार। भक्त हेत बहु रूप बनावे, जग को माया से भरमावे। भक्तन हित कई रूप ही प्रकटावे भगवान। यह है रीत सनातन, मिले बहुत प्रमाण। नासिक में दो रूप बनाए, स्वाई में निज कई प्रकटाए। बिहारी लाल का रूप बनाया, ऑफिस का जिस काम चलाया। जसवंत हेत उन्हीं ने धारा, मन मोहन अति रूप प्यारा। उसी प्रभु पर मैं बलिहारी, करे जो पग पग पर रखवारी। स्मरण मात्र ही जिनका न्यारा, भक्त जनों का परम सहारा। शरणागत जब दास ध्याए, निमेश मात्र में बने सहाय। समर्पण भाव जिस जन में होवे, प्रभु में आपा जो जन खोवे। त्यागे मन से जब वह काम, प्रभु भक्ति से ही राखे काम। ऐसे जन के हेत ही प्रभु धरावे देह। प्रेम भाव जब मन बसे, आवे प्रभु जी गेह।
लीला अनेक प्रभु प्रकटाई। वर्णन में कुछ एक ही आई, प्रेम सहित जो इनको गावे, दुख संकट से वह तर जावे। एक बार प्रभु सुख आसीना, भक्त भी बैठे प्रभु चितलीना। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरु देव जी की जय, शरणम। भगवान विष्णु की योग समाधि का स्वरूप। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। एक भक्त ने बात चलाई, अपने मन की उस कह पाई। बात प्रभु एक मम मन आई, आपसे समझूं है सुखदाई। जग में हो जब धर्म की हान, और बढ़े जब पाप महान। ले अवतार प्रभु चलि आवे, विष्णु के वे रूप कहावे। शेष नाग पर विष्णु विराजे, क्षीर सागर मध्य वे साजे। लक्ष्मी रहत चरण आसीना, विष्णु योग निद्रा में लीना। क्षीर समुद्र वह कहाँ स्वामी, दृश्य जहाँ का अंतर्यामी। दृश्य अलौकिक देख कर, चित परम विस्माय। शांत रूप वह विष्णु का, क्यों कर क्षोभ में आए। सुन भक्त की बात को, उत्तर दीना नाथ। विष्णु के दिव्य रूप का, रहस्य कथूं एक साथ। व्यापक रूप विष्णु का जानो, जगदाधार उसी को मानो। आश्रित विश्व विष्णु के सारा, बल विष्णु का अलौकिक न्यारा। हो निष्कामी काम चलावे, अकर्ता रह वह कर्म कमावे। अपानी पाद है उसका रूप, अलख निरंजन दिव्य स्वरूप। दिव्य दृष्टि से दृष्टि आवे, जब ही समाधि योगी लावे। अनेक रूप विष्णु प्रकटावे, व्यापक भी वह बन दिखलावे। चतुर्भुजी कभी हो जावे, चक्रादि को कर ही धरावे। वामनादि जो रूप धराए, सभी ध्यान में योगी पाए। सृष्टि का नहीं आद है, अनंत विष्णु के रूप। विष्णु के हर रूप में,
योग शक्ति है गोप। गुप्त बात को योगी जाने, रहस्य विष्णु का वही पहचाने। विष्णु शेष शाही कत पावे, उसका भेद तुम्हें बतलावे। शेष नाग कुंडलनी को जानो, प्रकृति का ही बीज वह मानो। प्रकृति वश है ईश के भाई, शेष पे विष्णु की प्रभुताई। कुंडली जागृत वह कर पावे, प्रकृति को जो वश में लावे। क्षीर सागर का रूप जो जानो, व्यापक शुद्ध ज्ञान ही मानो। योगी का जो ज्ञान में वास, क्षीर सागर में वह अधिवास। भेद इसका तुम ले वो जान, विष्णु कालो रूप पहचान। शुद्ध ज्ञान में वास हो, कुंडली हो प्रबुद्ध। विष्णु रूप ही मानिए, ऐसा ज्ञानी बुद्ध। एक बात तुम और भी देखो, लक्ष्मी चरणासीना पेखो। योगी की सब संपत दासी, योगी उससे रहत उदासी। रिद्धि सिद्धि हो योगी पास, योगी उनसे रहत उदास। नेत्र बंद विष्णु रह पाए, योगी ध्यान समाधि लाए। यह रहस्य प्रभु जी समझाया, भक्तन चित्त बहु वह भाया। विष्णु योगेश्वर महाराज, समझा भक्तन तथ्य यह आज। प्रभु जी ने तब यह समझाया, जब जब विष्णु देह धराया। योगेश्वर वे बन कर आए, योग वासिष्ठ वा गीता लाए। विष्णु का अवतार जब भया जगत के बीच, शिक्षा देवें योग की, उधरें पापी नीच। एक भक्त ने तब किया प्रश्न प्रभु महाराज, शंख गदा और पद्म से, चक्र से क्या काज। ये चारों क्यों हाथ में धारण की ने देव, इनका भी जो भेद है, स्पष्ट करें अधिदेव। बात कही प्रभु तब समझाए, गूढ़ बात वे मुख पहलाए। शिक्षा हेत ये हैं प्रतीक, अनुसरण करें जन योग की लीक। चक्र का है यही संकेत, जन्म मरण है भय का हेत।
चक्र चौरासी सदा डरावे, जीवना शांति को कभी पावे। पद्म कहे निरले परह पावो, जग में पंकज सम विकसावो। शंख से शम का मिले संकेत, शांत करो चित योग के हेत। गदा कहे दमन करो भाई, इंद्रिय दमन है बहु सुखदाई। शंख चक्र गदा पद्म की सीख, कथन करें सब योग की लीक। शंख चक्र गदा पद्म की शिक्षा लो तुम जान, शिक्षा पर जब जन चले पूजित हो भगवान। प्रभु के सुन उपदेश को, कृतार्थ भय सुजान। विष्णु के दिव्य रूप का प्राप्त भया विज्ञान। शिक्षा योग की इस मिस पाई, समझी विष्णु की प्रभुताई। एक बात प्रभु पुनः बतावे, प्रभुता विष्णु की जतलावे। विष्णु को बहु रूप में देखो, शेष शाही न केवल पेखो। सहस्र नाम विष्णु के आए, भिन्न भिन्न गुण जिन में प्रकटाए। योग नाम विष्णु का आया, योगी जनों का देव कहाया। सिद्ध नाम विष्णु का भाई, सिद्धियों की जिसमें प्रभुताई। वेद विद भी विष्णु जानो, कवि सनातन भी वह मानो। धनवी और जेता भी सोई, महाबली उत्साही होई। महाबुद्धि महावीर कहावे, सुरारिहंता जग कथ पावे। विराट रूप विष्णु कहलाता, सहस्र पग सहस्राक्ष सुहाता। विराट रूप विष्णु कथा, और वह सहस्र पाद। नेक रूप वह जानिए, विदत वही त्रिपाद। विष्णु रूप सब जगत है, अनिल अनल वह होई। पृथ्वी व जल जानिए, रूप गगन वह सोई। जगत भुलावे योग जब, त्याग करे मर्याद। प्रकट करें निज शक्ति को, विष्णु देह तब धार। प्रभु के इस उपदेश को, श्रवण करें नर नार। भ्रांत मति से मुक्त हो, गहे सत्य का सार। इस विध प्रभु जी ने समझाया,
योग धर्म का ज्ञान कराया। नित्य प्रभु के पास जो आते सज्जन पुरुष ज्ञान को पाते। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम।